जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल VM Tech Info में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रमिक कार्ड के बारे में। दोस्तों जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड जो कि CSE के माध्यम से बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको CSE से किस तरीके से ई श्रमिक कार्ड है जो कि आपको बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डिजिटल सेवा पोर्टल है जिसे आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन होंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा न्यूली जो एडवाइज जो सर्विस है, नई सर्विस आते हैं वो यहाँ पर नीचे शो होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन दोस्तों देखते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू प्रोडक्ट का हमें ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है व्यू प्रोडक्ट पे। दोस्तों व्यू प्रोडक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जो वेबसाइट है ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों इस पे आप जैसे रिडायरेक्ट होंगे, रिडायरेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी कि मजदूर खुद अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें CSE BLA की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो इस पोर्टल पर अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात रही CSE के VLA के हमारा क्या रोल है, हम किस तरीके से इसका वेबसाइट बनेंगे। हालांकि इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है और CSE पे जो मैसेज आया कि ये सारा काम है जो कि CSE पोर्टल से होने वाला है और CSE के माध्यम से ही ई श्रमिक कार्ड है जो कि बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप CSE लॉकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस डैशबोर्ड पे आप देखते हैं CSE लॉकेटर, यानी कि CSE नज़दीकी CSE कहाँ पर है, ये अगर किसी लेबर को फाइन करना है, उनको देखना है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है। लेकिन CSE के VLA को इस डैशबोर्ड पे किस तरीके से लॉगिन होना है तो उसके लिए यहाँ पर कोई अभी ऑप्शन नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन शॉट है, इस पर आप देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। एक लिंक थी अपनी CSE VLA की सोसाइटी के नीचे, एक लिंक है, उस लिंक के माध्यम से अगर हम लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली ये इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लॉगिन किया था ये प्रॉपरली, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि ये ऑफिशियली चीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी से हम वहाँ पर रिडायरेक्ट होकर किसी थर्ड लिंक के द्वारा वहाँ पर लॉगिन हुए थे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर लीगल तरीके से हमें काम करना है तो हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलना चाहिए इसी डैशबोर्ड पे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी ये अपडेट चल रहा है इस वेबसाइट के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पर CSE कनेक्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हम किसी थर्ड पार्टी पे लॉगिन होते हैं उसके बाद हमें उस पोर्टल पे जाने के बाद डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट करने का लिंक मिलता है, उसके बाद जब हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो ऑब्वियसली ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल है क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हमें वेट करना है और जो कमीशन होगा वो भी आप अपने वॉलेट में ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, अगर आप किसी का लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो यह सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके जरूर बना सकते हैं, लेकिन CSE का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी, और साथ ही दोस्तों एक बार यहाँ पर लेबर कार्ड के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि किन किन लोगों को बनाने हैं और कैसे बनेंगे। तो दोस्तों ये ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद यहाँ पर इसको हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर हम इसके बारे में जानकारी है जो कि इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम क्लिक करके थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप उद्देश्य पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आसानी से आप इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके के जो मजदूर हैं उनको आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये आपको अभी फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम के साथ आप इंतज़ार कीजिए जब तक आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा CSE कनेक्ट का, उसके बाद आप आसानी से बना के दे सकते हैं। फिलहाल कई सारे वीडियो आपको फेक मिलेंगे जिसके अंदर बताया जाता है कि आपको इस तरीके से लॉगिन करेंगे तो हो जाएंगे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर करके देखा था, लेकिन ये तरीका जो मुझे बिल्कुल गलत तरीका लगा, सही तरीका नहीं था। अगर सही तरीके से ये वर्क करेगी साइड, उसके बाद हमें ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इसी के अंदर जो कि हम लॉगिन कर पाएंगे यहाँ से, तब वो प्रॉपर
माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।